फ्रेंड्स, सरिताज क्रिएशंस पे आपका स्वागत है। ये देखिए, आज मैं आपके लिए डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इसको आप बेबी स्वेटर, जेंट स्वेटर, यहाँ तक कि बॉर्डर पे भी आप इसे डाल सकते हैं। ये 2 के मल्टीपल फंदे आप लेंगे और आपके पैटर्न पर आ जाएंगे। नीचे से आपको जो अपना बॉर्डर बनाना है या बॉर्डर पे इसे बनाना है तो वैसे ही स्टार्ट करना है जैसे मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ। सबसे पहले क्या करना है, ये सिलाई जो है हमने अपनी सीधी सीधी बना करके कंप्लीट कर लेनी। इस पूरी सिलाई को हम अपनी सीधा बनाएंगे। ऐसे सीधा बना करके कंप्लीट कर लें। ये देखिए, फर्स्ट सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं अपनी सेकंड सिलाई, सेकंड रो पर, उल्टी तरफ। उल्टी तरफ सेकंड रो में हमें क्या करना है, पूरी सिलाई जो है अपनी उल्टी बना करके कंप्लीट कर लेनी है। ये सारे फंदों को हम अपना उल्टा उल्टा बना करके कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, डिज़ाइन की हम थर्ड रो पर आ गए हैं, तीसरी सिलाई पर। इसमें क्या करना है, ये देखिएगा ध्यान से। पहला फंदा मैं ऐसे ही बनाऊंगी, उसके बाद एक दो दो फंदों के यहाँ से नहीं लेना है हमें, बल्कि इसके नीचे वाला जो फंदा है, ये देखिएगा, यहाँ से सिलाई लेनी है और एक फंदा हमें ऐसे निकालना है और सिलाई पर वापस डाल देना है। और फिर इन तीनों को, जो हमने फंदा निकाला वो और दो फंदे हमारे जो हैं, उन तीनों को इस तरह से सिलाई पर धागा लेके एक बना लेंगे। अब फिर से क्या करना है, एक दो दो फंदों के यहाँ से नहीं लेंगे हम, बल्कि इसके नीचे वाला जो फंदा है यहाँ से लेंगे और ऐसे निकालेंगे फंदे को, वापस सिलाई पर लेंगे और तीनों को तीन का एक बना देंगे धागा, ऐसे सिलाई पर से लेते हुए। फिर से दो फंदों के यहाँ से, ये देखिएगा, एक तो ये है हमारा, यहाँ से ना लेकर के यहाँ से हमें फंदा निकालना है ऐसे। फिर सिलाई पर लेंगे इस फंदे को, लूज ही रखेंगे थोड़ा, सिलाई पर से धागा ऐसे ना लेकर के ऐसे लेना है, ये देखिए। फिर से ऐसे ही करना है, यहाँ से फंदा निकालेंगे, वापस सिलाई पर लेंगे और तीनों का एक फंदा ऐसे करके बना देंगे। फिर ऐसे ही करेंगे, यहाँ से लेंगे फंदा, वापस सिलाई पर लेंगे, अब तीन का एक बना देंगे इस तरीके से। फिर वैसे ही करेंगे, यहाँ से लेंगे दो फंदों के यहाँ से, ये देखिएगा ध्यान से, यहाँ से ना लेकर के यहाँ से हमें फंदा लेना है ऐसे। फिर वापस सिलाई पर लेंगे फंदा, फिर हम तीनों का एक बना देंगे ऐसे। अब फिर से यहाँ से फंदा लिया, निकाला, वापस सिलाई पर डाला, तीन फंदों का इस तरीके से एक फंदा बना दिया। ये देखिए, अब फिर से यहाँ से फंदा लेंगे, सिलाई पर लेंगे वापस और तीन का एक फंदा ऐसे बना देंगे। फिर से वैसे ही फंदा बनाना है, ये देखिएगा, वापस सिलाई पर लेंगे, तीनों का एक कर देंगे इस तरीके से। फिर से यहाँ से फंदा लेंगे,
इसको ऐसे यहाँ से तीन का एक बना देंगे इस तरीके से। फिर यहाँ से लेंगे फंदा, ऐसे बनाएंगे तीन का एक कर, फिर लेंगे यहाँ से फंदा, फिर तीन का एक कर देंगे। फिर यहाँ से लेंगे, देखिए सारे फंदों को ऐसे ही बनाना है हमने। अब ये देखिए एक फंदा बचा है हमारा लास्ट में, इसको हम ऐसे बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से बन गया हमारा थर्ड रो, हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं अपनी फोर्थ रो पर। फोर्थ रो उल्टी साइड, ये एक फंदा ऐसे ही बनाना है। उसके बाद ये देखिएगा, ये जो हमारा फंदा है इससे पहले ये एक फंदा यहाँ, ये धागा ऐसे है, इसको सिलाई पर इस तरह से लेंगे, धागा पीछे करेंगे और इसको सीधा बना लेंगे। फिर अगले फंदे को भी सीधा बनाएंगे, फिर यहाँ से उठाएंगे ये फंदा। देखिए ये आसानी से दिख जाएगा जब आप उठाएंगे, इसको इस तरह से सिलाई पर लेंगे और ऐसे सीधा बना लेंगे। फिर आगे का फंदा भी सीधा बनाना है, फिर यहाँ से फिर से उठाएंगे इस फंदे को और फिर ऐसे बना देंगे, आगे का सीधा बनाना है। ये देखिए आसानी से ये आपको जब आप बनाएंगे दिख जाएगा, इसको ऐसे सिलाई पर लेंगे और सीधा बना देंगे। आगे का फंदा सीधा बनाना है, सारे फंदे जो उठाएंगे वो भी हमें सीधा बनाना है और इन सारे फंदों को उल्टी तरफ से हम सीधा बनाएंगे। फिर से ऐसे उठाना है फंदा, सिलाई पर लेंगे और सीधा बना देंगे, आगे का सीधा, फिर से उठाएंगे फंदा, फिर सीधा फंदा। टोटल चार सिलाइयों का ही डिजाइन है ये हमारा, इन चार सिलाइयों पर ही ये डिजाइन हमारा रिपीट होता जाएगा। ये लास्ट में भी इस तरह से उठा लेंगे और ऐसे बनाएंगे, फिर से ये ऐसे उठाएंगे और इसको सीधा बनाएंगे। ये हमारे जितने फंदे थे उतने ही हमारे पास फिर से बन करके तैयार हो जाएंगे। अब ये लास्ट का फंदा, ये देखिएगा इस तरीके से ये हमारा डिज़ाइन हमारे पैटर्न पर बनता चला जाएगा। ये देखिएगा इन्हीं चार सिलाइयों को आपको अपने पैटर्न पर रिपीट करते जाना है और ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे मेरे नए वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय बाय।